हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का लव इनफाइनाइट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि करंट एनर्जी आपके डिवाइन मस्कुलाइन की क्या है, साथ ही साथ आप भी क्या रियली अपनी इस जर्नी में अपसर्ज हो रहे हैं कि नहीं। देखिए, अपसर्ज होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाहे कितनी भी मुसीबत आए, कुछ भी हो आपकी लाइफ में, चाहे डार्क नाइट ऑफ द सोल आपने झेली हो या कुछ भी जर्नी के फेज से आप गुजरे हों, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने डिवाइन मस्कुलाइन के लिए लव एंड रिस्पेक्ट ज़रूर रहता है। वो अलग बात है, समटाइम कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो आप उन पर गुस्सा भी कर सकते हैं और उन्हें एक सही और गलत की सीख भी दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर इस समय यही दिखाई देता है कि वो अपने एक बार फिर से अपने चाइल्डहुड वुंड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे तो एक तरह से उन्होंने अपने आप को काफ़ी हील कर लिया था, अभी 2 दिन पहले की ही रीडिंग में था कि काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी है, लेकिन फिर एक बार फिर से डाउन की एनर्जी दिखाई देती है। इनका जो अंदर के इश्यूज है ना, रिगार्डिंग एनी सिचुएशन, एनी पर्सन और एनी चाइल्डहुड वुंड्स जो भी है ना, वो उनके इस एक तरह से सरफेस पर आ रहे हैं, और जिस वजह से वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की एनर्जी में है। और ये जो आपका अपना एनर्जी सिस्टम है, वहाँ पर आप कहीं ना कहीं सबोटेज फील कर रहे हैं, यही बात है। तो एक बार मैंने सरोगेट टैपिंग पर भी वीडियो बनाया था, तो सरोगेट टैपिंग पर आप किसी भी तरीके से, सरोगेट टैपिंग मतलब आप किसी के लिए कर रहे हैं, अगर आपका डिवाइन मस्कुलाइन आपसे हेल्प मांग रहे हैं, हेल्प चाह रहे हैं, तो वो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि वो सच नहीं बोलते हैं या समथिंग, कुछ उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, तो आप इस तरह से यहाँ पर टैपिंग कर सकते हैं, हृदय में यहाँ टैपिंग कर सकते हैं, इस तरह से लेफ्ट या राइट हैंड से जैसे भी कर सकें वैसे कर सकते हैं। बटरफ्लाई टैपिंग होती है, उस तरह से करें। तो टैपिंग करने से क्या रहता है कि आप उनकी एक तरह से इश्यूज़ को हील करते हैं। और दूसरे भी तरीके हैं, मंत्र चैंट करके, प्रेयर करके, अफर्मेशंस करके या मैनिफेस्टेशन करके आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन को एक सही डायरेक्शन ऑन ट्रैक ला सकते हैं। आपको भी यदि टैरो, एस्ट्रोलॉजी, पाम रीडिंग या फिर कुछ और गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें। कैसे, जो ये जो नंबर है इस पर आप मैसेज करेंगे, देन आप फी वगैरह पूछेंगे, आपको अफोर्डेबल लगेगी तो ज़रूर आइएगा। बात आगे करती हूँ कि डिवाइन मस्कुलाइन के कुछ ना कुछ इस तरह के जो वुंड्स हैं, वो जो इश्यूज हैं, वो पर्सनली आपको बता नहीं रहे हैं, लेकिन उस मामले में कहीं ना कहीं वो ट्रिगर होकर नाराज़ हो जा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी उनकी दिखाई दे रही है। अगर आपका पार्टनर इस तरह का बिहेव कर रहे हैं, तो बी अवेयर कि आपने और किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। क्योंकि जहाँ अगर आप भी एक आर्ग्यूमेंट में आ जाएं, एक दोनों का आर्ग्यूमेंटेशन होने लग जाए कि तुमने ये कहा था, तुमने वो कहा था, तुम सच नहीं बोलते हो ये वो, तो वो हर डिवाइन मस्कुलाइन अपने आप को डिफाइन करता है, अपने गलतियों को जस्टिफाई करता है, और साथ ही साथ वो अपने कम्फर्ट जोन में रहता है। तो इस वजह से आप फिर ये रिश्ते को और भी ज़्यादा, जो ये है आपका रीयूनियन, उसको और डिले कर देते हैं। तो मेन चीज़ यही है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आप हैं, एम्पैथ एनर्जी में आप हैं, और चाहे वो मेल हैं या फीमेल बॉडी आपकी है, बॉडी से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर सोल एनर्जी की बात हो रही है, तो एनर्जी से मतलब है। तो एनर्जी आपकी रिसीविंग मोड में रहेगी, तो आप उन्हें बोलकर या बिल्कुल शांत रहकर, चुप्पी लगाकर भी उनको उनके सबकॉन्शियस माइंड में अपनी बात को पहुँचा सकते हैं, इस तरह की बात दिखाई दे रही है। तो किसी भी तरीके से आप उनको हेल्प कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर वो शांत रहना चाह रहे हैं, चुप रहना चाह रहे हैं, लेट देम बी, उनको होने दीजिए, उनको शांत रहने दीजिए, उनको अपने कंफर्ट जोन में जाने दीजिए, इट्स ओके। अपने आप ही समझ में आता है जब डिवाइन मस्कुलाइन को जब बाहर से धक्के पड़ते हैं, लात पड़ती है, तो वापस अपने डिवाइन मस्कुलाइन के पास ज़रूर आते हैं। इसलिए ये तो हुई, चलो ये मजाक की बात है, बट फिर भी होता ही यही है। और जितना हो सके कि आप अपना ग्रेटिट्यूड पे करें, जितना हो सके टैपिंग एनर्जी का यूज़ करें, जितना हो सके योगा, मेडिटेशन, मंत्र चैंट, राइटिंग वर्क, माइंड एक्सरसाइज, ये सब कुछ अगर आप करते हैं, तो यहाँ से आपके अंदर जो यूनिवर्सल फोर्स है, जो कि लव, पीस एंड ट्रुथ आपके अंदर जो है, उसको और भी ज़्यादा जागृत करता है, और ना सिर्फ आपकी एनर्जी को स्पिरिचुअली हाई करता है, बल्कि आपके पार्टनर को भी हाईएस्ट वाइब्रेशन में लेकर जाता है। तो यदि आपको ये रीडिंग रेजोनेट की है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं भी की है तो और ही अच्छी बात। क्या पता है आपका पार्टनर अब हमेशा के लिए टुगेदर होने की बात कर रहे हो, सेल्फ रियलाइजेशन उनकी बहुत अच्छी हो गई हो, और रियली उन्होंने कहीं ना कहीं अपोलोजाइज भी किया हो आपको इस बात पे, तो फिर ये हो सकता है कि ये जो प्रोसेस है ना,
इस प्रोसेस को इंजॉय कीजिए, ट्विन फ्लेम जर्नी के प्रोसेस को। सीधे ये मत सोचिए कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वो ट्विन फ्लेम जर्नी को अचीव करना है, ये एक रीयूनियन को अचीव करना है, या एंड कब होगा, ये सब मत सोचिए, क्योंकि ये सब आपके पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। जितना लव, पीस एंड ट्रस्ट आप अपने ऊपर करेंगे और किसी भी बात से आप नहीं डरेंगे, डिवाइन मैस्कुलिन को खोने से भी अगर आप नहीं डरेंगे, तो वहाँ पर आपका जो स्टेज है वो हायर सेल्फ में जाएगा ही जाएगा। आपके डिवाइन मैस्कुलिन को भी आपकी तरफ, लविंग फोर्स की तरह आपकी तरफ खींचकर जरूर लेकर आएगा। तो ये थी आज की पर्सनल रीडिंग। ध्यान रखिए अपना, अप टू 16th of August तक इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो अपने अंदर की एनर्जी को बचाए रखें, अपने ऑरा को और भी ज़्यादा क्लेंस करें, और जितना हो सके अपना कंफर्टेबल रूम में रहें, अपना आपको एक अकेले रूम में रखें, एंड देन फिर थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करें, फेथ रखें, मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले ब्रीदिंग, जैसे कहते हैं प्राणायाम, ये करना ज़रूरी है, और उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी हायर सेल्फ में जाएगी, आप फिर रिस्पॉन्स करना एंड रिस्पॉन्ड करने की कला को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें, चुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, इसी आशा के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।